नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे उसी मुद्दे पर जो हर कोई देखना चाहते हैं, हर कोई ये जानना चाहते हैं कि कल निर्मला सीतारमण ने जो पैकेज घोषित किया और आज भी जो घोषित करने वाले हैं, जिस प्रकार से परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना पैकेज घोषित किया जाएगा और वो होंगे GDP के 10%, उसका फायदा किसको मिलेगा, ये इसका एक अंश कल निर्मला सीतारमण ने बताया और दूसरा अंश आज बताने वाले हैं। कल जो उन्होंने बताया उसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं था। गरीब मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर जा रहे हैं, वो राह देखकर थक गए, रजिस्ट्रेशन करा के थक गए, लेकिन उन्हें किसी भी श्रमिक ट्रेन में जगह नहीं मिली है। हर रोज दर्जनों श्रमिक ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन उसमें कौन लोग जा रहे हैं इसका पता नहीं। मैंने जब मजदूरों से पूछा तो सबने कहा कि हमने हफ्तों पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है लेकिन हमारा नंबर नहीं आया, आखिर कब उनका नंबर आएगा। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि हम अलग से बिहार के लिए ट्रेन चलाएंगे क्योंकि बिहार सरकार लोगों को भेजने के लिए पैसे नहीं दे रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हर मजदूरों को उनके घर तक भेजने के लिए व्यवस्था कर रही है, रजिस्ट्रेशन जारी है और ट्रेन का टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी खुद देंगे। अभी हमारे पास दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ओम प्रकाश भिदुरी जी हैं, इनसे जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अब तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है और कब कांग्रेस की ट्रेन से मजदूरों को भेजा जाएगा। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से मैंने बताया, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, हजारों लाखों लोग पैदल सड़कों पर जा रहे हैं, उनके हालत को देखकर लोगों का रूह कांप जाता है। ऐसी दृश्य मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। 44 साल का उम्र होने वाला है, मुझे लगता है शायद आपने कभी देखे हो या क्या अनुभव रहा है। इन लोगों की पीड़ा देखने के बाद क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों को, चाहे छोटे लेवल पे जो कर्मचारी हैं वो या फिर प्रधानमंत्री, उन लोगों को दर्द नहीं होता जब हमें दर्द होता है? कोरोना वायरस जो है ये एक महामारी है कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। जी जी, हम सब इसका मुकाबला कर रहे हैं और इसके मुकाबला करने के लिए जो भी सरकार की हिदायतें हैं हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अचानक 4 घंटे का नोटिस देकर लॉकडाउन किया, वो ठीक नहीं था। कम से कम 4-5 दिन, 1 हफ्ते का टाइम लोगों को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में लाखों लाखों करोड़ों मजदूर हैं जो इधर उधर महानगरों में अपना अपना देश छोड़कर, अपना गांव छोड़कर शहरों में आए नौकरी करने के लिए। वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनको अपने घर जाने का मौका नहीं मिला। उसका परिणाम ये हुआ कि लोग अपने घरों में रह गए, रोजी रोटी बंद हो गई और वो उनकी हालत ये हो गई कि उनको खाने को नहीं मिला। उन्होंने घर जाने के लिए सोचना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया, वो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से छुप छुपा के अपने जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग रेलवे की पटरी के सारे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में सैकड़ों लोग अभी तक इसमें दुर्घटना में मर चुके हैं। सब कुछ होते हुए कोरोना के लिए जो सरकार तैयारी कर रही है, ठीक है, हम उसे सहमत हैं, हमें और कांग्रेस पार्टी उसका सहयोग भी कर रही है। जो भी सरकार की हिदायत है हम उनका सबका पालन कर रहे हैं, लेकिन किसान और मजदूर का क्या होगा, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अब इन्होंने 1 हफ्ते पहले बोला कि श्रमिक ट्रेनें हम चला रहे हैं दिल्ली से। मैं दिल्ली की बात करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा उसमें कौन लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। 1 हफ्ते तक लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन अभी तक किसी का नंबर नहीं आया। आज तक मैं खुद यही नहीं मुझे मालूम हो पाया कि इसमें कौन लोग जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें भी कुछ बड़े बड़े सांसदों मंत्रियों के लोग अपने अपने लोगों में जा रहे हैं, आम आदमी तो उसमें जा ही नहीं पा रहा है। इस समस्या को देखते हुए हमारी अध्यक्षा, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सारे देश के लोगों को इधर उधर भेजने के लिए कुछ ट्रेनों का, कुछ बसों का अरेंजमेंट किया है। दिल्ली में भी हमारे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी,
उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी है। कल तक जो 84,000 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है और टाइम टू टाइम हर चार चौथे दिन पांचवे दिन जैसे जैसे लोगों की लिस्ट आ रही थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है दिल्ली गवर्नमेंट को उसकी लिस्ट भी भेज रहे हैं, उनको बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आप इनको कुछ कीजिए, इनको भेजिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। 84,000 की लिस्ट कल तक आई है और अभी भी आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी खुद रेलवे मंत्रालय से बात करके कुछ ट्रेनें बुक करेंगे, कुछ बसें भेजने की, बसें से बस ट्रांसपोर्टर से बात की, कुछ बसें भेजेंगे, ये सारा कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है, पर ये अल्टीमेटली काम तो सरकार का ही है जी। और लोग एक हफ्ते तक वेट करने के बाद लोगों ने समझा कि ये सरकार हमें बेवकूफ बना रही है, हमको भेजना नहीं चाहती है, सिवा ये अखबार ही खबर है, टीवी में खबर दे रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिन से दिल्ली से मजदूरों का प्लान फिर शुरू हो गया, पैदल बहुत लोग जा रहे हैं जी जी। बहुत बुरी हालत है। मैंने 1947 का जो मंजर था, जो देश के बंटवारे के समय था, मैं तो फोटो देखे थे, लेकिन उससे भी भयानक स्थिति आज हम देख रहे हैं। और टीवी पे तो हम ऐसे ऐसे सीन देख रहे हैं, ऐसे दृश्य हम देखते हैं, लोगों को हमसे देखा नहीं जाता। तो सरकार को सबसे पहले इन मजदूरों को अपने अपने घर भेजने के लिए कोई ना कोई फैसला जल्दी करना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये लोग अपने अपने घर पहुँच सके। बाकी जो हिदायतें हैं, कोरोना जो COVID-19 एक ये महामारी है दुनिया में फैली हुई है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने तकरीबन नियंत्रण भी किया है, वो सब ठीक है जी जी। लेकिन मजदूरों के बारे में भी इनको सोचना चाहिए, जिससे कि वो लोग अपने अपने घर जाएं, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनको भी भोजन वहाँ पर मिले। मुझे ये लग रहा है कि जो रियल मजदूर है, जो लिए भूखा मजदूर है, वहाँ तक ये भोजन नहीं पहुँच रहा है। बिल्कुल रियल समस्या ये, रियल समस्या यही है कि उनको, और मेरी निजी सोच ये है कि जिस दिन ये लॉकडाउन किया था, जैसे आपने परचूने की दुकानें खोल के रखी, जो एसेंशियल जो चीज़ें हैं उनकी दुकानें आपने बंद नहीं करी, तो रोडों पर जो ढाबे और चाय की दुकानें थी इनको भी बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 20-30 लाख आदमी ऐसा मजदूर है जिनके घर में रसोई नहीं है, किचन नहीं है, गैस नहीं है, वो सब लोग रोड पर ही चाय पीते हैं, ढाबे पे खाना खाते हैं। अगर ये ढाबे और चाय की दुकानें बंद नहीं होती, मुझे ये लग रहा है कि शायद इतनी जल्दी ये लोग बाहर नहीं जाते। बिल्कुल, उनके खाने की व्यवस्था नहीं हुई और शायद इसलिए वो लोग जाना चाह रहे थे। शुरू में भी ऐसा ही हुआ जब लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था, और अब लोगों का जो है सब्र का बांध टूट चुका है और वो लोग अब पैदल जाने के लिए निकल पड़े हैं। जिस प्रकार से कोरोना के हेल्प के लिए पीएम केयर फंड बनाया गया और लाखों करोड़ों लोगों ने उसमें दान दिए, 2 रुपए से सही और 2 करोड़ से सही, हर किसी ने कुछ न कुछ मदद किया, वो जो फंड लोगों ने दान किया वो किसके लिए किया होगा सोच के, क्या जो परेशान हुए इस बीमारी से उनके लिए, या फिर जो उद्योगपति को, छोटे लघु उद्योग को चलाने के लिए जो आज फंड जारी उसमें से किया जा रहा है। इस प्रकार से उसमें से 1,000 करोड़ रुपए तो उन्होंने कहा है कि मजदूरों के लिए हम खर्च करेंगे, बाकी के या तो हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं या फिर अलग अलग जो व्यवस्था है उसके लिए कर रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए जो कल जारी किया है, अगर 1 सप्ताह या 15 दिन पहले कर देते तो आज तक वो जमीन पर आ जाता। अब आज जो किया है जारी, वो कब तक जमीन पर आएगा और ये मजदूर जब घर पहुंच जाएंगे तो उस पैसे का इन्हें क्या फायदा मिलेगा? अब देखिए ना, औरंगाबाद में 16 मजदूरों की डेथ हुई, ट्रेन एक्सीडेंट से हुई, नींद आ गई, परेशान होकर वो पटरी पर सो गए, उनको ट्रेन में नहीं जाने दिया, लेकिन उनको शवों को ट्रेन से उनके घर ले गए हैं। बहुत ही उनके जो शव थे उनको ट्रेन से उनके घर ले गए हैं, लेकिन उनको जब जीवित थे तो ट्रेन में नहीं जाने दिया। अब आप इनको 1,000 करोड़ या 200 या जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज इन्होंने कल अनाउंस किया है, वो तो मैं एक अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन वो तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, कब होगा, क्या वही होगा, मैं जानना चाह रहा था। अगर लेकिन आज तो कम से कम इमीडिएट जो फैसला करना है वो भी विद इन ए वीक इनको करना चाहिए कि मजदूर अपने घर पहुंच जाए, उनकी हेल्प करें, उनको खाना पीना दें। सबसे पहला जरूरी काम ये है, यही है। ये जो बाकी पैकेज जो आते रहेंगे और
आम आदमी की समझ से तो बाहर है ये जो पैकेज जिन्होंने पहले भी 1,76,000 करोड़ किया था। बिल्कुल, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ जा कहाँ रहा है। बिल्कुल, हर कोई जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है वो। बिल्कुल, हर कोई यही जानना चाह रहे हैं जो पैकेज ऐलान हो रहा है वो धरातल पर क्यों नहीं आ पा रहा है, लोगों की समस्याएं क्यों नहीं दूर हो पा रही हैं और लोग अपने गाँव पैदल ही क्यों जा रहे हैं। पैदल जब ये गाँव पहुँच जाएंगे तब उन पैसों का ये क्या करेंगे। हर कोई अपने गाँव में अपने लोगों के पास वहाँ पे मिट्टी में सो कर भी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हैं, वहीं पर वो खुश रहना चाहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुँचा दिया जाए। जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं, अगर सभी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर कह दिया जाए, ऑर्डर दे दिया जाए कि कोई भी पैदल ना जाए, उन सबको वहाँ के लोकल जो ट्रांसपोर्ट हैं उनके जरिए कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाएँ, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले की जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो उसे अगले डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचा दें, तो 3 दिन में सारा मामला ख़त्म हो सकता है अगर करने की शक्ति हो तो। और यही उम्मीद लेकर हम पिछले 1 सप्ताह से अभियान चला रहे हैं। हर रोज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार मजदूर परेशान हैं, गरीब परेशान हैं, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि अब वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे जो 2014 में थे, जो मजदूरों गरीबों की बात करते थे। परसों जो वो आए ऑनलाइन, जिस प्रकार से उन्होंने TV पे भाषण दिया, उसमें मजदूरों के बारे में एक बार भी नहीं बोला। फर्स्ट बार उन्होंने ज़रूर मजदूरों के बारे में बोला था, गरीबों के बारे में बोला था, अब उनके मुंह से शब्द भी मजदूर और गरीब के नहीं निकल रहे हैं। तो वाकई क्या मोदी जी बदल गए हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये लोगों में संशय होने लगा है। और क्या ये संशय आने वाले वर्षों तक दिखेंगे या फिर ये क्षणिक है, इसके बारे में भी एक नैना बता दें। अभी तो समय बताएगा कि मोदी जी ने जो घोषणा किया है कितना ये अमल में आती है, कितना अमल में लाएंगे। देखने में तो बड़ा आकर्षित लग रहा है ये 20,00,000 करोड़ का पैकेज, पर ये जमीन तक कितना पहुंचेगा ये समय बताएगा। समय बताएगा, और समय के गर्भ में ही मुझे भी यही उम्मीद है कि शायद अच्छा इसका परिणाम निकले, लेकिन अगर अच्छा परिणाम नहीं निकलता है तो जिस प्रकार से मजदूर लोग आज कह रहे हैं कि अब तो हम गाँव में ही रहेंगे, कभी दिल्ली नहीं आएंगे, कभी पंजाब नहीं जाएंगे, कभी महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, तो क्या दिल्ली पंजाब और महाराष्ट्र ऐसे ही अपने आप को ऊपर उठा लेगा? क्या यहाँ के जो श्रमिक काम करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है वो बिल्डिंग चमकते रह पाएंगे अगर ये मजदूर दोबारा यहाँ आके उस पर डेंटिंग पेंटिंग ना करें? कैमरा पर्सन मानवेंद्र जी के साथ नीरज कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24 के लिए।